नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हो द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शो और द ट्रेलर रिव्यू शो। के ट्रेलर रिव्यू में हम देखने वाले हैं द साबरमती रिपोर्ट का टीजर और ये भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म है। जैसे कि आजकल बॉलीवुड में हो चुका है चलन की कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म बनाओगे तो फिल्म हिट हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके साथ ही द वैक्सीन वॉर बहुत बड़ी हिट हो गई होती है, लेकिन एक और फिल्म आ रही है और एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी पे आ रही है। फिल्म का नाम है द साबरमती रिपोर्ट और ये साबरमती रिपोर्ट क्या है आप भी जानते हो, लेकिन फिल्म में इसको कैसे पेश किया जाएगा ये तो हमें फिल्म देखने के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन आज आ चुका है फिल्म का ऑफिशियल टीजर और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फिल्म का टीजर, जिसके बाद बात करेंगे कि फिल्म का टीजर कैसा है। तो आप फिल्म का टीजर देख सकते हो यहाँ पे। बालाजी फिल्म्स ने इसे प्रेजेंट किया है, बालाजी टेली फिल्म्स, विकीर प्रोडक्शंस, विक्रांत मैसी और बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। ये जो उनका बोलने का लहजा है ना, सेम एज 12th फिल का है, थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था। पूरा फोकस इस फिल्म पे मीडिया का है, मीडिया साबरमती रिपोर्ट। और मेरे जैसे इस देश में करोड़ों जो हिंदी ही बोलते हैं और समझते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है जब साहब एक दिन जरूर आएगा जब हिंदी हमारी पहचान दोबारा और तब इंडिया बनेगा भारत। रांचन द साबरमती रिपोर्ट। दोस्तों ये था बॉलीवुड फिल्म द साबरमती रिपोर्ट का टीजर और फिल्म का टीजर ठीक ठाक है, लेकिन फिल्म में क्या देखने मिलेगा ये तो हमें फिल्म देखने के बाद ही मालूम चलेगा। क्या फिल्म में हमें पूरा सच दिखाया जा गया फिर नहीं, लेकिन हाँ इस फिल्म में आधा अधूरा सच हो सकता है और एक ऐसा सच हो सकता है जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की हो, और ये भी हो सकता है कि सच को एक काल्पनिक स्टोरी से कनेक्ट कर दिया हो। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएं। फिल्म के स्टार कास्ट में विक्रांत मैसी और राशि खन्ना रहेगा। ये तो हमें 3 मई को ही मालूम चलेगा जब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे रिलीज होगी। तो आपको कैसा लगा फिल्म का टीजर? मुझे फिल्म का टीजर ठीक ठाक लगा, लेकिन अगर इस फिल्म में कॉन्ट्रोवर्सियल चीज़ें हैं तो ये फिल्म बैन हो सकती है और ये फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं होगी। तो आपको क्या लगता है ये फिल्म थिएटर में रिलीज होनी चाहिए फिर नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और फिल्म के टीजर रिव्यू वीडियो में, जब तक इतने के लिए बने रहिए, देखते रहिए द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शो और द टीजर रिव्यू शो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।